हेलो टू एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ कि कैसे हमें इसको ओपन करना है। ए प्लस बी रेस टू पर एन एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसको ओपन करने के लिए एन सी ज़ीरो एक्स रेस टू पर एन माइनस ज़ीरो इज एन एंड हियर इज ए एंड बी रेस टू पर ज़ीरो प्लस फिर हम इसको आगे आगे इंक्रीज करेंगे बाय वन। देन यहाँ पे ए रेस टू पार एन माइनस वन एंड बी रेस टू पार वन प्लस ऐसे ही एन सी टू अप टू सो ऑन हम इसको करेंगे एन सी एन तक जब तक हमारे पास यहाँ पे एन नहीं आ जाता। देन ए रेस टू पार एन माइनस एन इज ज़ीरो एंड बी रेस टू पार एन। अब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो है एक्स, b is equals to 1 upon x and n is equals to 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, n है 6, so 6c 0, x raised to power 6, 1 upon x raised to power 0, plus 6c 1, पहले मैं इसको ही लिख लेती हूँ, 6c थोड़ी स्पेस डाल के लिखना ताकि आपको कैलकुलेशन के लिए भी इजी हो जाए, 6c 3 plus 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6। तो लास्ट मैंने यहाँ तक लिख दिया। देन यहाँ पे आएगा मेरा x और यहाँ पे आएगा मेरा b, मतलब 1 अपॉन x, x, 1 अपॉन x, x, 1 अपॉन x। ये मैं आपको सिंपली, वैसे मैं उस तरह से भी लिख सकती हूँ, मेरी जो पहले वाली वीडियोज़ हैं मैंने उसमें ऐसे ही साथ साथ कैलकुलेशन की है। ये सिर्फ इजीली मेथड है ताकि आप इसको कंफ्यूज मत करो, बस आपने लिखना प्रॉपर है और आपका क्लियर लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 6 है, फिर जब हम करेंगे 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4, मतलब ये डिक्रीज हो रही है 3 2 1 एंड लास्ट वन इज 0। अगेन फिर जब बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया एन सी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन सी एन विच इज इक्वल्स टू वन, एन सी वन इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस वन है तो उसकी वैल्यू एन आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे एन सी ज़ीरो, मतलब सिक्स सी ज़ीरो है तो ये वन, एक्स रेस टू पावर सिक्स और किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो वो वन आएगा, प्लस सिक्स सी वन, मतलब एन सी वन है तो सिक्स, एक्स रेस टू पावर फाइव अपॉन एक्स, प्लस सिक्स सी टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, सिक्स माइनस टू इज फोर फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो यहाँ पे हम 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 5 जा कितना आ गया हमारे पास 15, एक्स रेस टू पर 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर मत लिखना भूलना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, प्लस देन 6 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन एक 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 6 5 4 जा 20, तो ये हो गया हमारे पास, ये भी एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है तो ये कैंसिल, फिर प्लस 6 सी 4 इसका हमारे पास आ जाएगा 15, ये 2 है और यहाँ पे 4 है तो ये 2 कैंसिल होके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 6c5 मतलब n माइनस 1 आ गया नीचे तो ये 6 और यहाँ पे एक x कट होके यहाँ पे 4 रह जाएगा तो ये आ गया 1, 6 अपॉन x रेस टू पर 4, अगेन यहाँ पे 1 इंटू 1 इन 1 अपॉन x रेस टू पर 6। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम x रेस टू पर 6 प्लस 6 x रेस टू पर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू।